अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपके मेजबान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज भी वीक के स्टार्ट में नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर विटनेस करते हुए नजर आए। हम देख रहे हैं मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ये भी कि कुछ न्यूज़ हैं जो ज्यादा ड्रैग कर रही हैं। अगर पूरी बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट के अंदर हमने देखा आज यूरोपियन यूनियन के हवाले से रिव्यूइंग हो रही है जीएसपी प्लस स्टेटस की, तो ये इम्पैक्ट मार्केट ने काफी नेगेटिव लिया। फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट काफी हद तक डाउनवर्ड ट्रेड करते हुए दिखाई दी, 43,000 के लेवल को टच किया एंड 43,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव, लेकिन हमने देखा मार्केट ने उसे दोबारा रिकवर किया और रिकवर करने के बाद 100 एंड अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो इंडेक्स की पोजिशन स्ट्रांग है, ईद हॉलीडेज का भी इम्पैक्ट है और काफी हद तक मार्केट के टाइमिंग्स वो भी इम्पैक्ट करते हुए मार्केट को दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,262.35 के लेवल पर, हायर साइड पर मार्केट गई 44,326.01, लोअर वॉज 43,630.07। हमने देखा लोअर इंट्राडे लोअर मार्केट ने बनाया 43,000 के लेवल को टच किया एंड फाइनली क्लोजर रहा 44,076.20, यानी कि अपने दोबारा साइकोलॉजिकल बैरियर को अचीव करके मार्केट ने 44,000 को सस्टेन किया। 186.15 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 238.44 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं कल के मुकाबले में, यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 55.29 मिलियन शेयर का। वैल्यू रही 11.31 बिलियन रुपीज और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.27 के इजाफे के साथ, 32.06 पे क्लोजर, 36.36 मिलियन शेयर ट्रेडेड। टेलीकार्ड सेकंड स्कोर पे 1.03 का डिक्लाइन देखा गया, 13.75 पे क्लोजर रहा, 25.35 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली गनी ग्लोबल होल्डिंग्स 2.70 का डिक्लाइन देखा गया, 35.98 पे क्लोजर रहा, 23.14 का कारोबार रहा। यह था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज की मार्केट में भी हमने यही देखा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन पे दिखाई दे रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमेशा मार्केट के अंदर, उनकी साइकी क्या है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों का माजी में मुल्की स्टॉक मार्केट में दाखिल होने का तरीकाकार कुछ मुश्किल और कठिन था। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कराने और रजिस्टर्ड होने के बाद कारोबार की सख्त शराइत ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की हौसला शिकनी की। ताहम बाद में सूरतेहाल में तब्दीली आई कि जब पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट की निगरानी करने वाले इदारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ नए कवायद और जवाबित मंजूर किए। उन कवायद जवाबित के जरिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और नए इदारों की हौसला अफजाई हुई कि वो पाकिस्तान के कैपिटल मार्केट में दाखिल हो सके और वहाँ मौजूद सरमाए को इस्तेमाल करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारों का मुल्क में मजमूई कारोबार में एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की और सरमाए की फराहमी के साथ मुल्क की कैपिटल मार्केट की तरक्की के लिए राहें हमवार की। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग क्यों जरूरी है या उन्हें हर सूरत में ये काम क्यों करना चाहिए, ये बताना यहाँ जरूरी इसलिए है कि ऐसा करने से इन कंपनियों को बेपनाह फवायद हासिल हो सकते हैं। ये कम लागत पर कारोबारी सरमाया हासिल करने का बेहतरीन जरिया बनती हैं। तमाम कंपनियां खुसूसन छोटी और दरमियानी कंपनियों के लिए सरमाया का हुसूल बहुत जरूरी होता है ताकि ये कंपनियां अपने आप को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार कर सकें और अपने कारोबार में तरक्की और उसे फैला सकें। लिहाजा तरक्की करती और आलमी सतह पर पहचान बनाने वाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को फलता फूलता देखने के लिए जरूरी है कि सही फैसले के साथ साथ सही वक्त पर मार्केट को समझा जाए और उसी बुनियाद पर इकदाम उठाए जाएं। यहाँ ये बात बताते हुए फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स की यकीन और भरोसे की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है कि जिसका एतराफ आलमी सतह तक किया जा चुका है और ताज़ा इदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बिजनेस में पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया भर में बेस्ट इक्विटी मार्केट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
मार्केट जॉनरा हम देख रहे हैं काफी हद तक स्मार्टली ही दिखाई देता है। हम नेचर वाइज बात करें तो वही इन्वेस्टर्स कामयाब हैं जो काफी हद तक स्मार्ट हैं। इन तमाम चीजों पर मार्केट की खासकर डिस्कशन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अरसलान सोमर साहब, आप MD हैं KSB सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नताशा, थैंक यू फॉर वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये बताइए अरसलान, मार्केट के अंदर स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही कामयाब होते हैं। हमने देखा है काफी हद तक, जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो पैनिक करते हैं जो या ज्यादा जल्दबाज होते हैं वो ज्यादा मार्केट के अंदर आके खोते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो स्मार्ट खेलते हैं वो ज्यादा मार्केट के अंदर कमाते भी हैं और सक्सेसफुल रहते हैं। जी एब्सोल्युटली नताशा, देखिए कुछ चीजें जो होती हैं एक्सपीरियंस के साथ आती हैं और एजुकेशन के साथ आते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल दें कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो आम आदमी होते हैं, वो अमूमन इन्वेस्ट ही स्टॉक मार्केट में तब करते हैं जब उनको पता चलता है कि 2-3 साल लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं। और वो तब आपका टाइम ऐसा होता है कि वहां पे समझ लें 100 में से 70 रुपए जो प्रॉफिट के तो निकल चुके होते हैं, वो पहले वाले खा चुके होते हैं। ठीक, क्योंकि आपको चीज तब लेनी चाहिए होती है जब वो चीज सस्ती बिक रही हो और नुकसान में कारोबार आपको मिल रहा हो। जब समटाइम्स ये होता है कि वो ऑल टाइम हाई पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज वो उम्मीद होती है ना कि ग्रीड, जैसे लालच होती है कि अगर पिछले साल 40% है तो अगले साल भी 40 होगा, फिर 40 भी होगा। लेने वाला टाइम वो होता है जब चीजें बिल्कुल खराब होती हैं और आपको विजिबिलिटी नजर आती है कि अब चीजें, बुराई हमारे पीछे है और अच्छाई आगे नजर आ रही है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एक बूम एंड बस्ट साइकिल आती है, 6-7 साल आप ऊपर जाते हैं फिर 2 साल क्रैश हो जाते हैं। तो जो इन्वेस्टर है ना वो 5वें या 6वें साल में अमूमन आते हैं, तो इनको हम स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं कह सकते। अच्छा, स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपने एक तो रिस्क मैनेज भी करते हैं सही तरीके से। रिस्क मैनेज मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 2 लाख रुपए का लोन लेके 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वो भी एक शेयर में, तो अगर वो 30% नीचे चला गया तो आपका समझ लें 90% पैसे उड़ गए। काम करना बड़ा मुश्किल, लेवरेज पे बड़ा रिस्की होता है। तो ये तब लोग करते हैं जिनके पास एक 99% कॉन्फिडेंस होता है अपने व्यू के ऊपर, और वो भी बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको अगर लेवरेज करना भी है तो आप 4-5 मुख्तलिफ स्टॉक्स में करें कि अगर एक ऊपर गया है तो दूसरा नीचे है तो आप बैलेंस आउट हो जाएंगे। और मार्केट की पल्स को देखना बड़ा जरूरी है। जरूरी है। अरसलान, मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखें कमाना हर किसी को है, हर कोई मार्केट के अंदर इसीलिए आता है कि वो कुछ लेके जाए घर। और दूसरी बात यह है कि कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने एपेटाइट से ज्यादा रिस्क बर्डन जो है वो ले जाते हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे उनको सारा लूज करके मार्केट के अंदर दे के फिर वो अपने पैसे चले जाते हैं, और फिर कभी वो अपने जो इतनी फिंगर्स बर्न कर लेते हैं कि वो कभी दोबारा मार्केट की तरफ लौट के नहीं आते। तो ये भी जरा परसेप्शन ड्राई आउट करें। ट्रस्ट जो है वो आपका ब्रेक हो जाता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन इसमें ट्रस्ट स्टॉक मार्केट की गलती नहीं होती, इसमें इंसान की फितरत की बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा मैटर करती है। तो देखिए अमूमन आप लोगों से बात करेंगे ना तो बोलेंगे कोई सस्ता शेयर बताओ, वो मतलब 2 रुपए 4 रुपए। हाँ। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर सस्ता है, उसका मतलब ये है कि वो 10 रुपए वाला शेयर शुरू हुआ था, अब वो नीचे लेवल पे है और काफी सालों से, उसकी कोई वजूहत हो सकती है, क्या पता वो परमानेंटली सस्ता ही रहे। तो इन कंट्रास्ट कोई चीज अगर 100 रुपए वाली होती है तो उनको आप बोलेंगे 200 रुपए की हो जाएगी, तो वो भी सस्ता शेयर होता है कि वहां पे भी 100% अपसाइड नजर आती है। सो ये इन्वेस्टर की साइकी को समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे होता क्या। और आपने कहा कि लोग अपनी एपेटाइट से ज्यादा रिस्क लेते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में ग्लोबली लोग समझ लें, सब लोग डेली ट्रेड करने नहीं आते कि लोग बाजार में ऑन है रोज ट्रेडिंग करना शुरू हो गए। ये एक व्हीकल होता है, एक तकरीबन समझ लें एक सेविंग्स का प्रोडक्ट है कि आपकी मंथली सेविंग होती है 30-40-50 हजार, आप 10-10 हजार रुपए महीने के इधर डालें। ग्लोबली भी लोग के $5,000 से आपकी अर्निंग होती है तो $1,000 इधर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो समझ लें एसेट मैनेजर, म्यूचुअल फंड, ETF, इन सब में जो उनका व्यू होता है उनको पैसे दे देते हैं या कोई एक स्टॉक ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हो जाता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होता है कि जब चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी ना तो वो रिटेल वाले इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर आएंगे तो वो तब माल उन तैयारी तब करते हैं कि 3-4 साल बाद जब रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं तो उनको पकड़ा के चले जाते हैं, तो वो पूरी आपकी साइकिल इस तरीके से खत्म हो जाती है। राइट, तो अरसलान आज हम बैठे हैं उन रिटेल इन्वेस्टर्स को या वो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो ज्यादातर अपनी फिंगर बर्न कर चुके हैं उनके लिए आज हम एडवाइसेस करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप उनको कुछ ऐसी टिप्स दें कि वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बन सके।
आई थिंक नंबर वन, सबसे पहले तो आप अपना रिस्क मैनेज करें, ठीक है। रिस्क मैनेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जमा पूंजी ही जिंदगी की 5 लाख है, 10 लाख है या 20 लाख है, तो आप ऐसे नहीं कि 80% उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दें और उसके ऊपर भी लोन लेके इन्वेस्ट करें, ठीक। क्योंकि आपको देखिए महीने के अंदर ही होती है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट जिन लोगों को नहीं पता कि जो आपके लॉसेज होते हैं महीने के अंदर आपको भरने होते हैं, चाहे भले वो अगले महीने आपका स्टॉक ऊपर चला जाए लेकिन इस महीने आपने नुकसान खाया तो आपको नुकसान भरना पड़ेगा। तो बड़ा एक एक्सेसिव रिस्क होता है, नंबर वन। नंबर टू, जो लेवरेज पे काम ना किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक मरतबा अगर आपका वो कैपिटल जो आपकी जमा पूंजी उड़ जाती है, नुकसान में आधी हो जाती है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और मिडिल क्लास आदमी हो या चाहे वो लोअर मिडिल क्लास आदमी हो, तो वो कॉन्फिडेंस उसका बड़ा शैटर हो जाता है परमानेंटली। तो समझ लो उसकी पूरी जनरेशन वो स्टॉक्स में नहीं आते, नहीं आएंगे। नंबर टू। अच्छा, नंबर थ्री, आपको देखना चाहिए कि आप कौन सी चीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको समझ आ रही है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो है ऑल कोई भी चले, कोई दूध की कंपनी हो गई, कोई गाड़ियों की सेल हो गई, या प्राइम मिनिस्टर साहब की हाउसिंग स्कीम में आपको नए नए घर बनते नजर आ रहे हैं, तो आपको एक आइडिया देखें, उस पे फेथ हो और उसमें इन्वेस्ट करें कि हाँ मुझे लगता है गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, हाँ मुझे लगता है कपड़ों की सेल बढ़ेगी, हाँ मुझे लगता है टेक्नोलॉजी आगे बेहतर होने जा रही है, हाँ मुझे लगता है कि फ्यूल पंप्स जो है इस कंपनी के पहले 5 थे, अब 50 मैंने देखे हैं सामने खुल गए। तो आप समझ लें उनके शेयर्स खरीदे, उनके साथ पार्टनरशिप करें, लेकिन थोड़ा जो लेकिन वो चीजें दिख भी रही हो, आपको दिख भी रही हो, फिजिकल अपीयरेंस भी हो उनकी। एग्जैक्टली, फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसमें आपको थोड़ी अपनी रीडिंग भी करनी पड़ती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी माशाल्लाह से स्टॉक मार्केट डेवलप मार्केट्स की तरह, ये मैं कह सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर है। जो भी कंपनी कोई नए प्लान लेके आती है, आप स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएं, उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं पिछले 5 से 10 साल के उसके सारे क्वार्टरली अकाउंट्स, उन पे सिर्फ मोबाइल है, क्लिक करें आप देखें कंपनी क्या कह रही है। तो वो अपने जो बिजनेस प्लान्स भी होते हैं वो भी प्रपोज करते हैं वेबसाइट के ऊपर सबकी कंजम्पशन के लिए। मैं थोड़ा नाज़रीन को बता दूं, चलो 10 साल पहले ये हार्ड कॉपीज, 15 साल पहले हार्ड कॉपीज आती थी, बहुत मुश्किल होता था उसको कैरी करना, उनको जो है लोग इंतजार करते थे कि पहली कॉपी मुझे दो, दूसरी कॉपी मुझे दो, अब सबको एक विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन आता है। अच्छा, एक और चीज जो है जो इन्वेस्टर को सीखना चाहिए कि अपना जो है आप सेक्टर में एक्सपोजर देखें। मैं आपको एग्जाम्पल देखता हूँ कि अगर किसी ने 100 में से ₹70 गाड़ियों के शेयर्स में खरीद लिए, ठीक है। अब गाड़ियां बनती हैं स्टील और ये सारे आपके जो मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, अगर ये प्राइसेस इनके रॉ मटेरियल की डबल हो गए, तो आपने 70% एक सेक्टर में लगाया हुआ था, चाहे बाकी आपका 30% ऊपर जा रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं, कि आपने ज्यादातर पैसे एक सेक्टर में लगा दिए, एक कंपनी में लगा दिए। अब आपको याद होगा 5 साल पहले एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो उनका एक प्लांट था वो टूट गया था, मतलब वो गिर गया था, ठीक है। तो वो स्टॉक जो था वो, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांस होते हैं, किसी को पता नहीं होता, एनालिस्ट को या कोई इन्वेस्टर को, लेकिन वो स्टॉक उसके बारे में एक्सीडेंटल कोई ना कोई चीज हो जाती है, एक्सीडेंटल वो 30-35% गिर गया। तो आप सोचिए अगर आप लेवरेज बैठे होते उस स्टॉक में, तो आप चाहे 1 करोड़ होता है, 10 लाख होते, वो 0 हो जाते। तो इन्वेस्टर को अपना थोड़ा जो है ना, समझ लें, जज्बात को काबू करना बड़ा जरूरी है। कि जो टॉप इन्वेस्टर्स होते हैं ग्लोबली, वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा, हम स्टार्ट अगर दे लें और अगर हम लॉकडाउन्स को देखें, लास्ट ईयर की बात करें चलें, तो वहां भी ये था कि जब सब सेलिंग कर रहे होते, एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, एक पैनिक हो जाता है, अब मार्केट डाउन जा रही है, अब मार्केट बंद हो जाएंगी, पता नहीं क्यों रूमर्स पे कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ये इन्वेस्टर की साइकी होती है, ह्यूमन साइकी होती है। अगर कोई एक बुरी खबर आती है, जैसे आपने जीएसपी प्लस की बात की, तो लोग अगले दिन होते हैं कि भाई उसमें अब बुरी खबर आई है तो ये तो बेचना है, अब बेचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो वो क्या होता है, जो 100 शेयर होल्डर होते हैं ना उसके, उसमें से 5 कहते हैं हम तो बेचेंगे, तो जब 5 बेचने आते हैं तो बायर कोई आता नहीं उस वक्त, तो सेलर्स आर मोर देन द बायर्स, इसीलिए प्राइस आपकी गिर जाती है। तो वो अगले दिन भी कैरी ऑन होती है, अनलेस आपको फिर रियलाइज हो जाता है कि बॉटम हो गया है और यहाँ पे लेने वाला टाइम है, बेचने वाला टाइम नहीं है। तो कभी कभार ऐसी भी कुछ बुराई आ जाती है, कोई ऐसी एक्सीडेंटल न्यूज आ जाती है, जैसे आपने प्लांट का जिक्र किया, सीमेंट प्लांट का, इस तरीके से कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए, या फिर कोई और जैसे कि जीएसपी प्लस स्टेटस की एक न्यूज आ गई, कोई भी न्यूज आ जाए जिसका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाए, उस वक्त भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक नहीं करते, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसे दौरान जो है रिटेल इन्वेस्टर या छोटे इन्वेस्टर हो, उनको तो समझ लें कि मुट्ठी बंद करके बैठ जाना चाहिए अपने स्टॉक्स पे कि हम हिलेंगे ही नहीं। आप जितना हिलाएंगे हम हिलेंगे नहीं, हमारा रिजॉल्व पक्का है, ठीक है। या तो अगर एक्स्ट्रा पैसे हो तो वो स्टॉक जो 15-20% नीचे गिर जाए और आपका व्यू अभी तक इंटैक्ट है कि नहीं आगे बेहतरी होगी, तो वो तब ज्यादा इन्वेस्ट करें।
एक्स्ट्रा जब उनके पास पैसे ताकि उनकी एवरेज हो जाए, उनकी कॉस्ट नीचे आ जाए या उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर 100 के 100 रुपए या इनफैक्ट 100 के 300 रुपए आपने एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप जो है ना समझ लें कि वो आपका बड़ा मुश्किल होता है आपको ये संभालना है वॉलेटिलिटी। चले आप कुछ कर लेते हैं आज की बात। एग्जैक्टली आज की न्यूज जो ज्यादा इम्पैक्ट देते हुए नजर आई मार्केट को वो थी यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड टाइज की बात हो रही है। जीएसपी प्लस स्टेटस से क्या फायदा एक्चुअली हो रहा था हमें पहले ये बताइए, और उस स्टेटस को अगर रिव्यू हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा? जी सबसे पहले तो एक जीएसपी और जीएसपी प्लस स्टेटस होता है, तो हमारा जब जीएसपी प्लस स्टेटस हुआ था आई थिंक ऑलमोस्ट 7-8 years ago, तो एक आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि हमारी मार्केट में आप आए और हम आपको एक्स्ट्रा कोटा देते हैं, और एक्स्ट्रा आपको समझ लें कि आपको रिड्यूस्ड आपके टैक्सेस होता है, मतलब हम लोग उनके जी बिल्कुल हम लोग उनके मुल्क में अपना प्रोडक्ट भेजते हैं तो हमें टैक्स कम पड़ता है उनको, हमारे एक्सपोर्ट पे और उनके इम्पोर्ट पे टैक्स कम हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ लें थोड़ा प्राइसिंग कंपेरेटिव हो जाती है, आपका प्राइस जो है आपकी मुकाबले में हो जाती है, सस्ती हो जाती है। अच्छा वो जो डेवलप मार्केट्स में आपको तब देती हैं कि आपकी अगर इकोनॉमी गरीब है, आप लोअर जीडीपी पर कैपिटा में, तो वहाँ से आपको इनकरेज करने के लिए आपके समझ लें एक डिप्लोमेटिक ये एक फैसला होता है, इकोनॉमिक नहीं डिप्लोमेटिक ज्यादा होता है। अब ये जो क्वेश्चन वर्थ थोड़ा इस पे वापस आया है, इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई है यूरोपियन यूनियन के अंदर कि हमारा जो स्टेटस अगर वो रिव्यू करते हैं या आगे जाके रिवोक करते हैं, इसके नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होंगे हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे जो ऑलमोस्ट 60% है। अच्छा और वो अगर टेक्सटाइल पे, क्योंकि टर्फ फाइनेंसिंग में भी काफी ज्यादा पैसे टेक्सटाइल वालों ने लिए, अगर टेक्सटाइल वालों ने कैपेसिटी बढ़ा दी और एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो आपकी वो एक्सपोर्ट ग्रोथ आपकी वो स्लो हो जाएगी, और फिर साइमल्टेनियसली आपकी करेंसी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी एक बड़ी मार्केट है हमारे पास, ठीक ठाक बड़ी मार्केट है समय मेरा ख्याल है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आई डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन कुछ कंपनीज इनको जो लिस्टेड है उनके 40-50% जो है एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में होते हैं, लेकिन इट्स स्टिल वेरी अर्ली स्टेज। देखिए ये अगर उनकी पार्लियामेंट में जाता है, पाकिस्तान का स्टैंस क्या होगा अगर अर्ली स्टेज है तो उसमें कुछ ना कुछ हिकमत अमली तो होगी। देखिए एक तो दे हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग इट, तो रिव्यू करके वो नेक्स्ट टाइम वो जाएंगे तो पाकिस्तान का स्टेटस ऑफिशियल जो आप पाकिस्तान का वर्जन है वो मांगेंगे कि जो हमारे एतराजात हैं कि आप ये माइनॉरिटीज के साथ ऐसे आपका ये है, तो आप अपनी स्टेटमेंट दें, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक पुश हमें करनी होगी सारे यूरोपियन ममालिक के अंदर। इट्स अ सेंसिटिव इशू, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, एंड अलोंग विद दैट आई थिंक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट जो है बड़ी केयरफुल और गार्डेड होगी ताकि वो हम अपना स्टेटस जो है लूज ना करें। और आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह अगर थोड़े डिप्लोमेटिक चैनल्स अच्छे तरीके से आपने एंगेज किए हैं तो ये मेरे ख्याल से टुवर्ड्स आपके समझ लेंगे रिमूवल पे नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जैसे होता है थोड़ी डिबेट वगैरह होती है उनके पार्लियामेंट, इट्स देयर राइट टू हैव दैट डिबेट कि अगर उन्होंने कुछ हमें इंसेंटिव्स दिए हैं और उसके ऊपर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो वी हैव टू गिव आवर स्टेटमेंट ऑन दिस एंड वी हैव टू अले देयर कंसर्न्स, क्योंकि कंसर्न्स हैं उनको आंसर करना चाहिए, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कैन डू दैट, इट्स वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। आप समझते हैं कि आने वाला आउटकम जो है वो इतना नेगेटिव या सिवियर नहीं होगा? देखिए मेरे ख्याल से आई थिंक 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि कोई पॉजिटिव न्यूज ही होगी कि आपका रिवोक नहीं होगा, लेकिन 30-40% चांस है कि शायद वो रिवोक कर दे, क्योंकि आजकल ग्लोबली जो है आपने देखा है कि ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज इसके ऊपर ज्यादा डिबेट और ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं फॉर व्हाटएवर पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन आई एम प्रीटी होपफुल कि अगर नहीं हुआ, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर स्टॉक्स इसी तरीके से गिरते रहे तो वो सारी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन ऑलरेडी हो जाती है, पर वहां से कोई भी खबर होगी तो अच्छाई की तरफ होती है। बिल्कुल अरसलान, लेकिन अभी मैं फिर इस पे मजीद बात करना चाहूंगी कि एक तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का रिव्यू और दूसरी तरफ एफएटीएफ, तो हम तो काफी हद तक डाउनसाइड जा रहे हैं इंटरनेशनली, क्योंकि देखा जाए जो लीनियंसीज हमें मिल रही थी वो काफी हद तक जो है वो शैटर होते हुए दिखाई दे रही है। आई डोंट थिंक कि जो हमें लीनियंसीज मिल रही थी वो वापस शायद पता रिवोक हो जाए, बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें हमने जर्मनी के साथ रابطे किए, हंगरी के साथ रابطे किए, और आई थिंक एक दो और ममालिक के साथ भी हमने यूके वालों के साथ भी रابطे किए। ये हम डिप्लोमेटिक पुश कर रहे हैं कि एफएटीएफ से हम व्हाइट लिस्ट हो जाए सितंबर में जो अगला रिव्यू है, अगर कुछ ऐसी चीज वापस होती है तो ऑफ कोर्स ये फिर एक समझ लें एक डिले हो जाता है अगले 6 महीने के लिए, आपको वो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा मार्केट के लिए भी और वैसे इकोनॉमी के लिए भी अगर आउट ऑफ नोवेयर चीज आती है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स देखे जाए तो वहां पे एक पॉजिटिव कुछ अगर हम कहें हरकत हो रही है तो ज्यादातर यही सही होगा। देखिए हमें एफएटीएफ के 3 और पॉइंट्स है जहाँ पे कंप्लायंस दिखानी चाहिए थी और अभी हम लोग उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, इवन विद द चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर आपकी जो टीम उसको हैंडल कर रही थी लेड बाय हमाद अजहर, स्टिल वेरी मच
इंगेज होते हैं। फाइनेंस टीम के बारे में आपसे मजीद बात करूंगी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,04,400। हम गोल्ड प्राइसेस में कुछ अपसाइड ट्रेंड देख रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 89,510 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1,779.22 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 63.41 डॉलर। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 66.41 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 183 रुपीज, सेलिंग वाज 185। यूके पाउंड बाइंग रही 210 रुपीज, सेलिंग वाज 213 रुपीज। यूएस डॉलर बाइंग रही 153 रुपीज, सेलिंग वाज 154। चाइनीज यान बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग एट 40.60, सेलिंग वाज 41.10। यूएई दिरहम बाइंग एट 41.60, सेलिंग वाज 42.10। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीज। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस का इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे आते हुए दिखाई दे रहा है। स्लोली ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पे बढ़ते हुए प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऑयल प्राइस की बात करें, WTI और ब्रेंट क्रूड काफी हद तक वहां भी कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है फर्दर अपग्रेड होती हुई। अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अरसलान, कुछ यहां पे दोनों साइड पे ऑयल की बात करें या गोल्ड की बात करें, कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गोल्ड बढ़ रहा है या फिर कोई और रीजन है? आई थिंक गोल्ड के लिए दो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। एक तो नंबर वन, ग्लोबली इन्फ्लेशन आ गई है। तो इन्फ्लेशन आई है आपके डॉलर प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि इकोनॉमीज ने बहुत सारे पैसे प्रिंट करके अपने आप को सपोर्ट किया है। तो जब ऐसे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आते हैं तो गोल्ड ऊपर चला जाता है, नंबर वन। नंबर टू, यूएस डॉलर इंडेक्स होती है अपने, कि यूएस डॉलर की कितनी वैल्यू कंपेयर टू दी अदर करेंसीज, वो आपकी फिर से थोड़ी नीचे गई है कुछ हफ्तों के अंदर। तो इसका साइमल्टेनियसली इंपैक्ट क्या होता है, गोल्ड महंगा हो जाता है क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया, ताकि वो एसेट की वैल्यू प्रिजर्व करे। तो ये हमने देखा शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इसकी वजह से लास्ट ईयर भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर हम लोकल मार्केट में बात करें और रमजान सीजन की बात करें, तो रमजान के अंदर लास्ट ईयर भी गोल्ड प्राइस बढ़ना शुरू हुए थे और पूरे साल बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। फिर जब लॉकडाउन ईज हुआ था, फिर वहां से जो है कुछ गिरावट देखी गई थी। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर इस वक्त क्या हो रहा था कि एक तो हमारी करेंसी जो थी वो डेप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन आपका लगा था 163-164 भी कहते हैं, इफ आई रिकॉल इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस वक्त तो हम फिर भी बेहतर है। और सेकेंडली जो ग्लोबल मार्केट्स थी, तो उसमें इस वक्त समझ लें कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो अपटिक नहीं आया था कोविड के फौरन बाद। तो लोग क्या कहते हैं, समझ सेफ हेवन, सेफ हेवन ये होती है जो सेफ तरीका है जहाँ पे पैसे बचाने का, तो उसको चेज कर रहे थे वो। तो गोल्ड और स्मॉल इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे, सेफ हेवन के अंदर जाएं या नहीं जाएं अभी गोल्ड की मार्केट में? आई थिंक गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 3 to 5 years इज फैंटास्टिक, बिकॉज क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट हो गई है। नंबर वन, जो फियाट आपकी करेंसी होती है, पेपर करेंसी होती है, इसके पीछे कुछ बैक नहीं होता। नंबर टू, आपके क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा आ गई है, जिनकी वैल्यूएशन हंड्रेड ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर हो जाती है आउट ऑफ नोवेयर। तो जो रियल करेंसी है आपकी, जो ट्रू करेंसी है, वो है गोल्ड में। अच्छा, मेरे ख्याल से गोल्ड की डिमांड आपकी फिर से बढ़ेगी जब इंडिया में थोड़ा कोविड का सिनेरियो इंप्रूव होगा, बिकॉज इंडिया इज अमंग द टॉप 3 बायर्स ऑफ गोल्ड ग्लोबली। तो जब वहां पे थोड़ा ये कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होगी, तो गोल्ड में हम देखेंगे बाइंग आ सकती है। तो आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स इट्स अ गुड टाइम टू बाय, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। इट्स नॉट कि गोल्ड की प्राइसेस डबल होती हैं, 40% इंक्रीज हो जाते हैं, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, आपने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया, कुछ करेंसीज हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आ रही हैं हमारे पास, कुछ एडवर्टाइजमेंट बहुत आते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलें तो वहां पे कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो वो करेंसीज जिनका कोई वजूद नहीं है, और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको ज्यादा जो है वो अभी उसके ऊपर कोई लॉज या कुछ ऐसी चीजें नहीं बनाई गई हैं, और वो अभी तक इतना ज्यादा वर्किंग ऑर्डर में नहीं है पाकिस्तान में, उनको जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं खासकर पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं तो कहूंगा कि नंबर वन, ये स्पेक्युलेटिव है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की अभी तक रेगुलेशंस कुछ नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सोच समझ के अपने जो है ना हक हलाल का पैसा इन्वेस्ट करें, बिकॉज कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि आप उसे बोलते हैं कि वन टाइम आप उसे ओपन करें और उसमें इतने जो है वो आप ये सारे आपकी मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं, मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को, कि वो पहली मरतबा है आउट ऑफ नोवेयर कोई एसेट बना के वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तो वर्थ नहीं हो जाती। इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप देखिए 1 रुपए वाली चीज जो है 100 रुपए भी हो जाती है, 200 रुपए भी हो जाती है।
तो ये इन्वेस्टर्स को बड़ा अट्रैक्ट करती है एग्जैक्टली कि शॉर्ट टर्म जो है उनको स्पेक्युलेट में उनको बड़ा एक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर लगता है कि स्टॉक से ज्यादा पैसे तो उधर है, लेकिन जब तक वो हाथ आपके जलते नहीं है तब तक वो समझते नहीं है। सो आई पर्सनली डू नॉट एडवोकेट, आई थिंक देयर शुड बी रेगुलेशंस फर्स्ट, उसके बाद जो है इंसान क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करें। हाउएवर एक जो उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें समझ लें कि 100 रुपए का नोट है ना, वो कितनी मरतबा किसने खरीदा वो पूरा उसके रिकॉर्ड होता है, ये टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे जो क्रिप्टो करेंसीज में यूज हो जाती है। सो आई बिलीव इन दैट, लेकिन करेंसीज में इंसान इन्वेस्ट करे उससे अच्छा है कि रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करे। राइट अच्छा अरसलान, हम बात कर रहे थे फाइनेंस टीम के बारे में, तो व्हाट्स योर टेक ऑन फाइनेंस टीम जो आई है और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस हमेशा अच्छे होते हैं क्योंकि वो अच्छे के लिए किए जाते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक अगर हम थोड़ा रिवाइंड करें पिछले 3 साल को, तो आपका पहला साल जो था वो आपकी करेंसी क्राइसिस से कि हम IMF के पास जाए कि नहीं जाए, सेकेंड ईयर हमारा स्टेबिलाइजेशन के लफ्ज होते थे हमें याद होता था, वो हमारा खत्म हुआ तो कोविड आ गया, ठीक है तो ग्रोथ का था, ये ग्रोथ का था लेकिन कोविड आ गया उसकी वजह से काफी हमारे समझ लें जितने ग्रोथ प्लान थे वो थोड़े डिले हो गए। अच्छा अब हमारे पास रह गए हैं गवर्नमेंट के लिए एसेंशियली 2 years ऑफ बैस, समझ लें इनिंग के समझ लें आपके सिर्फ 20 ओवर रह गए, 30 ओवर चले गए आपके, इस 20 ओवर्स के अंदर आपको रन रेट बढ़ाना है, ठीक है। तो आपकी जो नई इस वक्त फाइनेंस टीम आई है उनका फोकस यही है, नंबर वन कि हम लोग ग्रोथ की तरफ वापस जाए और जितना स्टिमुलस दे सकते हैं, जितना इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को, आवाम को, और भले उसके लिए अगर हमें थोड़ा कर्जा लेना पड़े गवर्नमेंट को अपने एंड पे, तो वो भले ले लें। और बड़े मुश्किल से फैसले थे आपको ज्यादा टैक्स लगाना था, उनको आप थोड़ा सा डिले कर दें और सॉफ्ट करें, हार्ड नहीं करें, थोड़ा सॉफ्ट टर्म्स करें। अरसलान याद होगा आपको जब ये कोविड का एक सिनेरियो विटनेस किया गया पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया, तो अब पॉलिसीज बहुत ज्यादा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस पॉलिसी को बनाने की सोच रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री पॉलिसीज को, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो एक वर्कर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा डिमांड कर रही हैं कि हमें भी कोई ऐसी पॉलिसी दी जाए जिसका एक इम्पैक्ट जो है वो 2 या 3 साल का हो। देखिए इस वक्त तो जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है बाय लार्ज आपका सबसे ज्यादा जो है प्रेडोमिनेंट गवर्नमेंट की होप्स इस पे है, एंड वी मस्ट कमेंट कि ये फैंटास्टिक पैकेज है फ्रॉम ऑल एंगल्स, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो हाउस बायर हो, क्योंकि सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे आपको मिल रही है और ये पूरी पॉलिसीज अभी इनैक्ट हो गई, अब रियल काम अभी हमें नजर आते हुए लगेगा। पहले 1 साल 1.5 साल तो आपके वो समझ लें पेपर वर्क करने में सारा वो सिस्टम बनाने में रह जाता है। इसके साथ साथ जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जिसकी छोटी सी दुकान है, जिसकी छोटी सी मार्केट है, छोटी सी फैक्ट्री है, तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। उनको फैसिलिटेट आप बहुत चंद सिलेक्टिव तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर में होते नहीं है, टैक्स वो अपनी फाइलिंग करें। रेस्टोरेंट बिजनेस देखें या डिफरेंट इस टाइप के बिजनेसेस बहुत ज्यादा शटर हुए हैं अगर हम कोविड की बात करें ग्लोबली, क्योंकि ये सारे सर्विसेज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, ये सर्विसेज आपके सेक्टर जो है ये आपके डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो उनको तो गवर्नमेंट ने फ्री क्रेडिट दिए कि भाई आपके टैक्स छूट है। पाकिस्तान में तो अगर आप देखें तो 100 में से 20 या 30 इस वक्त डॉक्यूमेंटेड होंगे प्रॉपरली, ठीक है, जो अपने पूरे टैक्स, इनको गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने सेल्स टैक्स कम कर सकती है ताकि इनको भी सपोर्ट करे, अदरवाइज पता है ये क्या करेंगे, ये अपनी प्राइस बढ़ा देंगे बिल्कुल फॉर नेक्स्ट ईयर कि हमें यार पिछले साल लॉस हुआ था, तो फिर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आपका वापस आ जाएगा। सो आई थिंक पॉलिसीज के हिसाब से अभी ऑटो पॉलिसी इज ड्यू कि आपकी ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट को देनी है, और नंबर 2 आपके टैक्सेशन पॉलिसीज इज ड्यू कि आपको टैक्स ग्रोथ किस तरीके से लेके आए, क्योंकि IMF ने जो हमें रिकमेंडेशन दी वो हमारी अपनी जरूरियात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की टीम का इस वक्त फोकस है कि जितना मिनिमाइज कर सके हम बर्डन वो करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होगी नताशा वो अभी देखने की ये है कि आपके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, राइट, यहाँ पर रिफॉर्म्स की जी बिल्कुल। 3 महीने पहले जब हफीज शेख साहब IMF के साथ हम लोगों ने अपने वो प्रोग्राम रिवाइव किया था, तो उसमें तकरीबन हमें 6 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ाना था ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जो है काफी नए उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज किए हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको खरीद लिया और जो टैक्सेस एक्स्ट्रा लगे थे उनको कम किया, और जो हमारे IPPs हैं जो हमारे CPEC के अंदर भी है उनको रीनेगोशिएट किया, तकरीबन समझ लें 2 रुपए जो है ना वो इंक्रीज कम हो गई, वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज है, राइट, वरना वो एक बर्डन लगता है। एग्जैक्टली, तो सारी फोकस इस वक्त जो करंट टीम का है कि सर्कुलर डेट को किस तरीके मिनिमाइज करें। राइट अरसलान, मैं चाहूंगी कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में भी आप कॉमेंट करें, कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके थ्रू ओवरसीज पाकिस्तानी उसके थ्रू काफी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान क्या दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर रियल इस्टेट या स्टॉक मार्केट?
उनके इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्लान आप देखें तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, अब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जो है जिनको गारंटी 7% रिटर्न, जी बिल्कुल 6% इन डॉलर टर्म्स इज अ लॉट, स्पेशली जब दुनिया में आपको ग्लोबली जीरो या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है और आपको सेविंग्स प्रोडक्ट पे 1-1.5% 2% मिलता है, तो यही लोग जो बाहर बैठे होते हैं उनका फॉरेन बैंक से पैसा था वो पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं और वो यहाँ पे उनको ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो 80-90% ऑफ द मनी विच इज कमिंग इन इज गोइंग इनटू दीज प्रोडक्ट्स। और स्टॉक मार्केट में तो समझ ले अभी तक जो लेटेस्ट नंबर मैंने चेक किए थे 10-15 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, विच इज हार्डली 1%, बिलियन से क्रॉस तो कर चुके हैं, एग्जैक्टली विच इज हार्डली 1%। प्रॉपर्टी के अंदर भी इसमें आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डिटेल, लेकिन ज्यादा पैसा आ रहा है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, विच इज ग्रेट फॉर पाकिस्तान। पिछले फिस्कल ईयर के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं बढ़ी, आपकी इंपोर्ट्स भी, इंपोर्ट्स तो बढ़ेंगी जैसे इकोनॉमी आपकी खुलेगी, लेकिन ये रेमिटेंसेस और रोशन डिजिटल अकाउंट्स की वजह से हमारी करेंसी को, हमारे रिजर्व्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। क्योंकि मार्केट पिछले 2 महीने से इतनी करेक्ट हो चुकी है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स 20-25% नीचे आ चुके हैं, तो अब आधे पैसे तो अभी इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, बाकी हम हॉलीडेज के बाद देख लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप वेट करें और हॉलीडेज के बाद देखें, क्योंकि इन्वेस्टर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि लॉकडाउन की इंटेंसिटी क्या होगी, नंबर वन, और आपका इन्फेक्शन रेट क्या है। अल्लाह का शुक्र है जब से हमने देखा है कि यू नो आर्मी हैज बीन कॉल्ड आउट और लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है कि हमारा इन्फेक्शन रेट भी नीचे आ रहा है और हमारे डेली केसेस भी नीचे आ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, ये सस्टेनेबल ट्रेंड है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने, मेरा ये ख्याल है क्योंकि कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि इतने बड़े लोग आपके वो छुट्टियां हैं, गवर्नमेंट इस वक्त चाह रही है कि 8-9 दिन पूरा हम लोग लॉकडाउन की तरफ जाएं और जितना हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल वो कम करें, ताकि जो है बर्डन है हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर वो थोड़ा मिनिमाइज हो सके और ये हम लोग इसको कर्टेल कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपने, मेरे ख्याल स्टॉक मार्केट के लिए तो जुम्मतुल विदा से हो जाएगा क्योंकि ये फ्राइडे से शुरू हो जाएगा, देयर आर 4-डे ट्रेडिंग सेशंस आई गेस, अभी आज का और 3, अभी आज के हो गए 3 और आपके रिमेनिंग हो गए, ठीक है। अब 3 के अंदर हमने आज देखा तो वैसे ही नीचे स्टार्ट हुआ, तो कल भी हम देखेंगे थोड़ा नेगेटिव ग्रीन, रिकवर किया आपको समझ लो फ्लैटिश ही रहेगा कल भी, फिर अब इन्वेस्टर कुछ बोलेंगे कि चले उम्मीद ये करते हैं कि आगे जाके आपका रेट कम हो जाएगा इन्फेक्शन का और केसेस कम हो गए तो मार्केट खुलेगी पॉजिटिव, तो वो आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे या कल से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे ग्रेजुअली, क्योंकि देखिए स्टॉक्स 25-30% करेक्ट हो चुके हैं ग्लोबली, एक टेक्स्ट बुक होता है कि 12-18% इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शन, 20% से ज्यादा अगर कोई करेक्ट होता है तो दैट्स अ फैंटास्टिक बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। अच्छा अरस्तान, सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस की बात करें तो कौन से सेक्टर्स हैं आपको जो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एज यू सेड के काफी हद तक मार्केट जो है वो करेक्ट हो चुकी है तो और अब फर्दर करेक्शन की ज्यादा गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, तो कौन से सेक्टर्स हैं जो ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगते हैं? जी मेरे ख्याल से तो इस वक्त हमें देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ कहाँ पे आ रही है, किस चीज, जो चीजें ज्यादा बिक रही है और वो स्टोरीज आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक स्टोरीज ज्यादा है, तो उन सेक्टर्स का अगर हम नाम ले जाए तो मेरा ख्याल है सीमेंट आपके एंड आपका आपका ऑटोस गाड़ियों के शेयर्स, स्टील तीसरा और चौथा जैसे होम अप्लायंसेस वगैरह हो जाते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे आप देखें पहली मतलब लोगों के पास जैसे पैसा आता है तो वो फ्रिज लेते हैं, माइक्रोवेव, टीवी ये लेते हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स पे भी लेते हैं, सो आई थिंक ये सेक्टर ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू दी अदर वंस। थैंक यू सो मच अरसलान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कुछ सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हुए दिखाई दे रही है, यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर कुछ लैकलस्टर बिहेवियर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। दैट्स ऑल आज के प्रोग्राम में, इतना ही, हम देख रहे हैं मार्केट की सिचुएशन कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ईद के बाद ज़्यादातर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगा। वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ bizstock@pdb.com.pk, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।